देख रहा हूँ उत्साह कितना है लोगों में, पूरा उत्साह है सब जगह, पूरे राजस्थान से लोग आएंगे और नेता सब आ रहे हैं, हमारे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों लोग भी आ रहे हैं जो विपक्ष के अंदर हैं, राहुल जी भी आएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आएंगे, देवगौड़ा जी भी आएंगे, सब लोग आ रहे हैं। सर ये 2019 के लिए एक मैसेज जा रहा है कि हम सब एक है, महागठबंधन के लिए तैयार है और बीजेपी को पूरी तरीके से हटाने के लिए तैयार है। नेचुरल है कि महागठबंधन की मीटिंग हो चुकी है और सबने संकल्प किया है कि हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि जो हालात देश में हैं वो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, कि जिस प्रकार एक घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल है वो समाप्त हो, विकास का माहौल बने देश के अंदर। आज किसान दुखी है, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई की भयंकर मार है, बातें खूब की गई है पर काम कुछ हुआ नहीं है, अच्छे दिन आए नहीं हैं। तो ये तमाम बातें एक देश, ये अपना आप में मुद्दे बन चुके हैं, पूरे मुल्क के अंदर ये अपना मुद्दे बन चुके हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। सर बीजेपी के नेताओं का आरोप है और वो ये भी कहते आ रहे हैं कि हम 10 दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब किसानों का कर्ज माफ हो, उनको इंतजार करने दो। कांग्रेस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, वो अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करना भी चाहिए, नहीं करेंगे तो जनता उनको कहेगी आप काम क्यों नहीं करोगे विपक्ष के लेकर। उनकी जो जिम्मेवारी मिली है इस चुनाव में, पिछली बार हमें मिली थी विपक्ष में रहकर काम करने की, हमने काम किया, यहाँ पहुंच गए, अब उनकी जिम्मेवारी वो वापस काम करके दिखा है, नहीं करेंगे हमारी भी शिकायत रहेगी तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद में जो हमेशा परंपरा रही है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात भी करेंगे और उसके बाद में फिर निर्णय होगा कब होगा। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ी है, कांटों का ताज है। मैं तो 24/7 का आदमी हूँ, ठीक है, 365 डेज का, इसलिए मेरे लिए तो चाहे मैं कोई पद पे रहूं या पद पे नहीं रहूं, मैं लगातार जिंदगी मैंने ऐसे ही बिताई है, इसलिए मेरे को जिम्मेदारी बढ़ने की बात नहीं आती है। हाँ ये बात जरूर है कि चैलेंज हमारे सामने है, फाइनेंस की क्या स्थिति पूरा प्रदेश जानता है, ये सब जानता है, और बहुत भारी बहुमत मिला था वसुंधरा जी को 163, जनता की आशाएं अपेक्षाएं थी, अगर वो चाहती तो कुछ काम करके दिखा सकती थी, पर मेरी शिकायत उनसे सबसे बड़ी ही रही है पूरे कैंपेन में, आपने लापरवाही क्यों की, आप काम करो, सब काम होते भी नहीं हैं, कुछ काम होते हैं कुछ काम नहीं होते हैं, पर आपने लापरवाही से 5 साल निकाले हैं, अब आपके झगड़े थे मोदी जी से, अमित शाह जी से, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है, वो झगड़े आपके मिटाना चाहिए थे, कुछ भी करते, आपका मन लगा नहीं, आप हमेशा इनसिक्योर रहे, पता नहीं क्या स्थिति बनी कि वो काम नहीं कर पाए, काम कर सकते थे, ऐसा नहीं कि काम, पहले अनुभव था उनको 5 साल का, काम भी किए होंगे, कुछ शिकायत हमारी रही भी होगी, बड़े बड़े मुद्दे भी आए होंगे, गुर्जर आंदोलन भी हुआ, 70 लोग मारे भी गए थे, 90 किसान मारे गए थे, उस पर मुद्दे थे हमारे सामने, हमें उठाए भी थे, ललित मोदी जी का बड़ा मुद्दा था, ये सब बातें अपनी जगह है, इस बार तो हमने उनकी लापरवाही को जन सुनवाई नहीं करना, जिलों में भी नहीं राज्य में नहीं, और विकास अवरुद्ध करना, और सबसे बड़ी बात रिफाइनरी किसे कहते हैं, ब्रॉडगेज आदिवासियों की, मेट्रो जयपुर की, कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा की, करौली और टोंक को जोड़ने की रेलवे से, मैं नहीं कहता सब काम हो जाते हैं, आप प्रयास तो करते, आप इन सबको ठंडे बस में डाल दिया और रिफाइनरी लेके हमें बदनाम किया गया, तो वो हमारी शिकायत इनसे रही। देखो सर आपके मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, सीएम और बीजेपी के जो सीएम का कल पहला अधिकृत बयान आएगा, तो सर सबकी उम्मीद है क्या मेट्रो रिफाइनरी और किसानों से जो बात, जो मैं बोल रहा हूँ भैया कि प्रयास तो करो, उस वक्त गवर्नमेंट हमारी थी दिल्ली केंद्र में, अब गवर्नमेंट हमारी नहीं है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार बनते ही उनको भी आगे आना चाहिए, जहाँ विपक्ष की सरकार बनी है उनके साथ में वही व्यवहार हो जो उनकी अपनी पार्टी सरकारें हैं, ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है देश के अंदर, तो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, भारत सरकार खुद को आगे बढ़ करके ये मैसेज देना चाहिए पूरे कंट्री को कि डोंट वरी, सरकार चाहे हमारी नहीं बनी है
पर हमारी तरफ सहयोग में कोई कमी नहीं रहेगी, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का पहला ट्वीट एक्सपेक्ट करते हैं, पहला ट्वीट ही आना चाहिए उनका। ठीक है।